वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिव डायरीज। बाल हमारी ब्यूटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और अगर आपने बहुत ही अच्छा सा मेकअप किया है फिर भी आपके बाल बहुत ही डैमेज और ड्राई दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ब्यूटी को थोड़ा सा फीका कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर पैक बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही इजीली आपको आपके घर में और आपके किचन में अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो हेयर पैक है ये आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी और साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा। ये हेयर पैक आप हफ्ते में एक बार यूज़ करें और रिजल्ट्स आपको अपने आप दिख जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पैक को ट्राई किया है और मेरे बाल पहले से काफ़ी अच्छे, सॉफ्ट और शाइनी दिख रहे हैं। सो चलिए देखते हैं इस पैक को कैसे बनाते हैं। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्पून और एक कंटेनर। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हैं। देन हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। मैं यहाँ पे सोल फ्लावर का कैस्टर ऑयल ले रही हूँ, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड है। उसके बाद मैंने यहाँ फ्रेश एंड प्योर का हनी लिया है। इन सारे इन्ग्रीडियंट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दो विटामिन ई की कैप्सूल्स लिए हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। अब सबसे पहले एक बोल में 1 टेबल स्पून ऑफ हनी लेंगे। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप हनी को स्किप कर सकते हैं। फिर 1 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल हम लेंगे, ये हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। फिर 2.5 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल लेंगे। उसके बाद 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स को काट के इस तरीके से हम अपने मिक्सचर में डाल देंगे और अपने मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आइए अब हम इसे अपने बालों में लगाते हैं। सबसे पहले बालों को कॉम कर लीजिए। अब बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके अब हम इसे अपनी स्कैल्प पे लगाएंगे। मैंने इसमें हनी लिया है। हनी इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। ये हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है जिससे हमारी ब्रेकेज भी कम होती है और बालों को ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। हनी हमारे बालों के लिए कंडीशनर की तरह काम करता है और स्मूथ भी बनाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 9 असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्दी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को प्री मैच्योर ग्रेइंग से भी बचाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प के डैमेज सेल्स को हील और रिपेयर करते हैं। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्कैल्प की इरिटेशन को भी प्रिवेंट करती है। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन हाई क्वान्टिटी में होते हैं जो हमारे बालों को नरिश करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ विटामिन ई की कैप्सूल्स ली हैं। विटामिन ई ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। अब हम ये मिक्सचर पूरे बालों में इस तरह से लगा लेंगे और एंड्स को बिल्कुल ना भूलें, एंड्स पे भी इस मिक्सचर को ज़रूर लगाएं। लगाने के बाद अब हम अपने बालों को एक बन के फॉर्म में बांध लेंगे और 1 घंटे बाद अपने हेयर को शैम्पू और कंडीशन से वॉश कर लेंगे। If you do, then please don't forget to subscribe my channel and please मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये उन्हें भी हेल्प कर सके। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, देन आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी सामान परचेज करना हो या कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिल पा रहा हो तो उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।